कोरोना के बढ़ते प्रकोप से जहां एक ओर सरकार के पसीने छूट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में डॉक्टरों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अगले एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए आज से विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल चिकित्सक संघ की 5 मुख्य मांगे हैं, जिसमें पहली मांग है कि चिकित्सकों का हर माह 1 दिन वेतन काटने का निर्णय सरकार वापस ले। दूसरी मांग है मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा, जिसमें पीजी करने वाले डॉक्टरों को पूरा वेतन देने की बात कही गई है, उसका शासनादेश जारी हो। तीसरी मांग है जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार और पटवारी आदि को अस्पतालों के निरीक्षण करने से रोका जाए। चौथी मांग है जसपुर में विधायक द्वारा कंटेनमेंट प्रभारी से की गई अभद्रता के लिए विधायक पर कार्रवाई की जाए। पांचवी मुख्य मांग है कि अस्पतालों में होने वाली मौत का जिम्मेदारी डॉक्टरों के सिर न फोड़ा जाए। हमारे 5 मांगों के संदर्भ में कल डीजी मैम से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि सचिव साहब ने हमें बृहस्पतिवार शाम को वार्ता के लिए बुलाया है, जिस पर प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करेगा। कल डीजी मैम से हुई मुलाकात में उन्होंने हमसे कहा कि आपकी 5 मांगें जायज हैं, बिल्कुल 1 दिन का वेतन कटना कहीं से न्यायसंगत नहीं है। सभी पीजी अध्ययनरत छात्रों को पूरा वेतन दिया जाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रशासनिक हस्तक्षेप को कम से कम या फिर समाप्त करवाने का प्रयास किया जाएगा। जो विधायक ने जो बदतमीजी डॉक्टर के साथ की है, उसकी निंदा डीजी मैम ने भी करी और सभी जांच तरीके से करी जाएंगी और जांचों के लिए SOP बनाने का उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी जांचें इस तरह की मौतों की होती है, उसके लिए एक SOP बनाई जाएगी, जिससे कि जांचें ठीक से हों और जिसका अपराधी सजा उसी को मिले, ना कि चिकित्सक पर हर बार ठीकरा फोड़ा जाए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ डीजी मैम का कि उन्होंने सुना उसको, लेकिन आंदोलन हमने वापस नहीं लिया। हमारे सभी चिकित्सक काली पट्टी बांध के पूरे राज्य में काम कर रहे हैं विरोध स्वरूप, और बृहस्पतिवार को जो मुलाकात है उसमें यदि हमारी सारी मांगें मान ली जाती हैं तो हम लोग अपना विरोध बंद कर देंगे। हालांकि कल मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद स्वास्थ्य महानिदेशक महोदय डॉक्टर अमिता उप्रेती ने प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की, लेकिन डॉक्टरों की मांग पर पूर्ण सहमति न बनने से खफा डॉक्टरों ने आज से काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू कर दिया है। अब स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से गुरुवार को डॉक्टर्स की मुलाकात होगी, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।